सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि और मंगल के संबंध को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है। शनि और मंगल का संबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, शनि और मंगल दोनों पाप ग्रह हैं। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि शनि पाप ग्रह है और मंगल क्रूर ग्रह है। शनि और मंगल का आपसी संबंध विशेष प्रभाव पैदा करता है। शनि वायु है और मंगल अग्नि है। दोनों का संबंध आपस में विस्फोट पैदा करता है। और शनि मंगल का जो संबंध बनता है, ये साथ में रहने से भी बनता है। आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डालने से भी बनता है और स्थान परिवर्तन से भी बनता है। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल का संबंध है तो इस संबंध को अलग से देखा जाएगा और अलग से समझने का प्रयास किया जाएगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल का प्रभाव है तो इसका प्रभाव क्या है, ये जीवन पर कैसे असर डालता है। देखिए, शनि और मंगल के संबंध से अग्नि भड़क जाती है। शनि हवा है और मंगल आग है। शनि और मंगल के संबंध से आग भड़कती है। ये संबंध दुर्घटना पैदा करता है। शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन या सर्जरी के योग बनाता है और जीवन में कदम कदम पर खतरा पैदा करने की स्थिति बना देता है। शनि मंगल का संबंध अगर नकारात्मक हो तो शरीर के अंग भंग की, शरीर के अंग विच्छेद की सूचना भी देता है। शनि मंगल का संबंध कभी कभी लाभकारी हो जाता है और इस संबंध वाले लोग ज्यादातर देखा गया है एकदम से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और ऐसे लोगों को आकस्मिक रूप से धन और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये एक बड़ी नकारात्मक बात है कि शनि मंगल के संबंध वाले लोगों का अंत आकस्मिक तरीके से होता है। विद्वानों ने ये शोध किया है कि शनि मंगल का संबंध क्षत्रिय पर्सनैलिटी देता है, यानी आदमी के अंदर अदम्य साहस और अदम्य ताकत आ जाती है अगर शनि मंगल का संबंध होता है तो। अब ये जानते हैं कि कुंडली में अगर शनि मंगल का संबंध हो तो किन बातों का ध्यान आपको बनाए रखना है। देखिए, अगर शनि मंगल का संबंध है तो वाहन चलाने में हमेशा सतर्क रहें और शस्त्र, जो भी हथियार है, जो भी शस्त्र है, इसके प्रयोग में हमेशा सावधानी रखें। आग के प्रयोग में और बिजली की वस्तुओं के प्रयोग में हमेशा सावधानी रखिएगा। घर में खाना पका रहे हैं, चूल्हे का प्रयोग कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, उसमें भी सावधानी रखिएगा। और बिजली की वस्तुओं का प्रयोग करने में अलर्ट रहिएगा
क्योंकि ऐसी स्थिति में आग और बिजली ये दोनों समस्या पैदा कर सकते हैं। शनि मंगल का संबंध हो तो आंखों का बहुत ध्यान दें और शल्य चिकित्सा ऑपरेशन यानी सर्जरी की समस्या से बचिएगा। आंखों और शल्य चिकित्सा का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर शनि मंगल का संबंध कुंडली में है तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अधिक से अधिक हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि शनि मंगल का संबंध उतार चढ़ाव देता है, दुर्घटना की संभावनाएं बनाता है। इसलिए अधिक से अधिक अगर आप हनुमान जी की उपासना करें, ज़्यादा कुछ न कर सकें तो कम से कम सुबह शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का भी पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। मूंगा और नीलम, मूंगा मतलब मंगल का रत्न हो गया और नीलम का मतलब शनि का रत्न हो गया। जब भी जीवन में मूंगा या नीलम पहनना होगा तो सोच समझ कर पहनिएगा, अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि मूंगा या नीलम पहनने से इस शनि मंगल का प्रभाव ज्यादा नकारात्मक आपके ऊपर पड़ने लगे। काले और लाल रंग के वस्त्र एक साथ धारण मत करिएगा। काले और लाल कपड़े एक साथ धारण करना उचित नहीं होगा। शनि मंगल का जो संबंध है, एक तो क्षत्रिय पर्सनैलिटी देता है। राजनीति के क्षेत्र में, सेना या पुलिस के क्षेत्र में शनि मंगल का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। इन क्षेत्रों में अचानक से तरक्की करने के मौके मिल जाते हैं। शनि मंगल के संबंध की जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि ये जितनी तेजी से ऊंचाई पर पहुंचाता है, अंत बहुत ही नकारात्मक होता है और वो अंत को लेकर के हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।